अभी हम लोग सुपौल के बिशनपुर रोड में हैं। यहाँ पे भी कोई सुरक्षा नहीं, बस दो ही गाड़ी से ले जाया जा रहा है। पता नहीं सरकार की ये क्या मंशा लगती है। बस एक एस्कॉर्ट की गाड़ी है और एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की गाड़ी है, और बाकी कोई सुरक्षा की गाड़ी नहीं है। अभी हम लोग सुपौल के बिशनपुर रोड में हैं। सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। बस सबसे आगे एक एस्कॉर्ट गाड़ी, फिर उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिक्योरिटी की गाड़ी, और उसके बाद लगातार पीछे हजारों कार्यकर्ता की 2000 से ऊपर गाड़ी। ये वही अर्टिगा व्हाइट कलर की गाड़ी है जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले जाया जा रहा है मधेपुरा। हम लगातार आपको लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष की पल पल की खबर आपको दे रहे हैं कि कैसे सरकार लापरवाही कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले जाने में कोई सुरक्षा का प्रतिबंध नहीं किया गया है, प्रबंध नहीं किया गया है। बस अपने हजारों कार्यकर्ताओं के बदौलत माननीय श्री पप्पू यादव जी मधेपुरा जा रहे हैं। आप जितने भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लाइव वीडियो को शेयर करें और सभी एक आवाज़ बुलंद करें। किस तरह से गरीबों के मसीहा को सताया जा रहा है सरकार के इशारे पे, ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं इस चीजों में, पीएम से लेके सीएम तक। बदमाशी